इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव, अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल, अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल। देखो अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल चर्चा में रहने का कारण है, इसकी अभी हाल ही में मई जून में जो मीटिंग हुई थी और एसडीजी गोल के लक्ष्यों की प्राप्ति के कंटेक्स्ट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में जो नाइट्रोजन उत्सर्जन पर जो निर्णय लिया गया उस कारण ये चर्चा में। यूपीएससी एक क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संस्थाओं पर पूछता है और वो बुक्स में नहीं, और वह क्वेश्चन उन संस्थाओं की वेबसाइट से पूछता है, इस कारण यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं पहले ही बता रहा हूं कि क्या पढ़ना है, इसके बाद बताऊंगा क्या पढ़ना है। फिर अब आईएनआई के बारे में जानना है तो कई बार जो संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उनका या कोई प्रोजेक्ट जो है उन्हें अन्य संस्थाओं द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है, तो अगर यह चर्चा में है तो उन अन्य संस्थाएं जिनकी जिन्होंने इसकी स्थापना की उसके बारे में भी जानना है। तो जैसे ऐसे ही आईएनआई जो है इसकी स्थापना एक कार्यक्रम है, स्कोप एक कार्यक्रम है, इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम वो करेगा, तो इन दो के बारे में जानना है। फिर ये आईएनआई स्वयं अन्य कार्यों में संलग्न है, जैसे इस कंटेक्स्ट में प्रमुख है आपका फ्यूचर अर्थ, ये इसमें संलग्न है जो एनवायरमेंट की क्लासेस में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तो यह जानना है। एक्चुअल में करंट करंट नहीं है, करंट आपका कोरिलेटेड करंट है, यह जानना। अब यहां इतना जान लिया तो फिर आईएनआई 2020 में ही या 21 में ही चर्चा में नहीं, इसका बैक करंट भी जानना है। बैक करंट में इसमें चर्चा का कारण है कोलंबो डिक्लेरेशन, जो लास्ट ईयर प्रीलिम्स के लिए यूजफुल था, बट चूंकि यह आईएनआई अभी चर्चा में है तो यह इस साल भी यूजफुल हो सकता है, यह जान। अब इतना जानने के बाद भी और क्या जानना है, मैं बताऊंगा ये सब कुछ। मैं अभी तो यह बता रहा हूं कि क्या पढ़ना है, क्योंकि इन क्लासेस से तुम्हें 90% जो गार्बेज है उसको हटाने में मदद मिलेगी। इसके बाद क्या जानना है, इसके बारे में पूरा नाइट्रोजन के बारे में पूरा। अब जब नाइट्रोजन के बारे में पूरा जानना है तो टिप्स पर तुम्हारे पास होने चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नाइट्रोजन पर यूपीएससी ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे, लगातार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं नाइट्रोजन पर। क्वेश्चन जब जान लोगे तो यहां पर प्रमुख जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है नाइट्रोजन पोल्यूशन पर, तो नाइट्रोजन प्रदूषण पर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये इनिशिएटिव नाइट्रोजन प्रदूषण को कम करने के लिए ही है, क्योंकि जो फूड प्रोडक्शन है उसमें जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एज यूज होता है उसके कारण मृदा की लवणीयता बढ़ रही है और मृदा अपनी जो प्रोडक्टिविटी है वह खोती जा रही है, तो वह जानना है। और क्या जानना है, और इसके बाद अपने बेसिक से क्या जानना है हिमांशु, नाइट्रोजन साइकिल, यस पूरा का पूरा नाइट्रोजन साइकिल टिप्स पे होना चाहिए। और इस नाइट्रोजन साइकिल में भी आपको जो बैक्टीरिया है फ्री लिविंग बैक्टीरिया, जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है वह भी, फिर जो नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं या जो आपका नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं वह सारे बैक्टीरिया, उन बैक्टीरिया के नाम भी पता होने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी वैसा क्वेश्चन पूछता है। तो यह सब कुछ ओवरव्यू के फॉर्म में तुम्हें जानना है। अब मैं डिस्कस करता हूं इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव, क्योंकि यह जब पता होगा तभी पता होगा कि मुझे पढ़ना क्या है, मुझे किस डेप्थ तक पढ़ना है। अदरवाइज मैं पढ़ा तो दूंगा, उसको तुम रट भी लोगे, बट उसे फिर क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में फिट नहीं कर पाओगे और उसी कारण क्वेश्चन नहीं होता और मैक्सिमम यह प्रीलिम्स में प्रॉब्लम है, जहां हम पढ़ लेते हैं फाउंडेशन भी कर लेते हैं पर फाउंडेशन के बाद डब्बा गोल होता है, क्योंकि जो क्लास में जो मैंने देखा है हिंदू क्लास में क्लास करके आ गए परंतु वहां पर यही नहीं पता है कि मैं पढ़ क्यों रहा हूं। जब तक वह वाई नहीं पता होगा
जब तक यह नहीं पता होगा पीसीएस या यूपीएससी मुझे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तब तक इनका पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है, और तब तक हम बुक्स ही पढ़ते ही रहेंगे, और पीटी नहीं होगा 5 साल बाद, और 5 साल बाद बोरिया बिस्तर लेके चले जाएंगे, या यूपीएससी से सीधा पीसीएस की तरफ टारगेट कर लेंगे। वह नहीं होना चाहिए। अगर डायरेक्शन पता है तो यूपीएससी का पीटी बहुत आसान है। जो मैक्सिमम जो फाइट है वो 45 to 55 क्वेश्चन, उसको अगर पार कर लोगे तो पीटी आसान है। अगर कोचिंग नहीं भी करोगे तो यूपीएससी के 20 से 22 क्वेश्चन तुम कर सकते हो। फाउंडेशन कर लिया तो 30 से 35 से आगे नहीं पढ़ पाओगे। फिर उसके बाद मेहनत करनी पड़ेगी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने, और वह है थॉट का गेम। ठीक है, पहला इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव। अभी हाल ही में 31 मई से 2 जून तक अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल जो है उसकी मीटिंग हुई थी, जहां फोकस था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के कंटेक्स्ट में नाइट्रोजन जो है उसकी जो इनएफिशिएंसी है, जिसके कारण प्रदूषण हो रहा है, उसे कम करने के लिए जो यहां पर यह सम्मेलन हुआ, इस कारण इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव चर्चा में रहने कारण कंटेक्स्ट मुझे नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि उस कंटेक्स्ट में ऐसा कुछ था ही नहीं यूपीएससी मुझे प्रीलिम्स में एज ए वाक्य दे सकता है। अब ये चर्चा में है तो मुझे फिर जानना इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव के बारे में। जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था होगी एनवायरमेंट के कंटेक्स्ट में, तुम्हें उसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन पता होना चाहिए, अगर वह 2 या 3 बार चर्चा में रह गई। अदरवाइज अन्य जो संस्थाएं हैं उनमें तुम्हें ईयर ऑफ फॉर्मेशन नहीं पता होना चाहिए, पर एनवायरमेंट के कंटेक्स्ट में पता होना चाहिए। तो इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव जो है इसकी स्थापना 2003 में हुई थी, और इसका अगर मैं कुछ नहीं भी बताऊं तो केवल और केवल इस हेडिंग देखकर तुम्हें पता लग जाना चाहिए इसका उद्देश्य क्या होगा, क्योंकि अगर कई बार तुम्हें उस संस्था का ऑब्जेक्टिव पता है, उसका विजन पता है, और उसके बारे में तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उस विजन स्टेटमेंट, उस ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट के बेसिस पर यूपीएससी के ऑप्शन को तुम एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि तुम पढ़ ही नहीं सकते यूपीएससी जहां से ऑप्शन उठाएगा, या एग्जामिनर जो है तुम्हें जो उसके बारे में गलत इंफॉर्मेशन देगा, बिकॉज सही इंफॉर्मेशन तुम जानोगे वह एक वाक्य होगा, उसके बारे में 1000 वाक्य गलत बताए जा सकते हैं। क्या तुम सभी गलत 1000 जो वाक्य बन सकते हैं उसके बारे में पता लगा सकते हो? शिवानी, क्या पता लगा सकते हो? सोनू, यस और नो? यस और नो? नो सर, नहीं पता लगा सकते। तो जब नहीं पता लगा सकते तो उस विजन स्टेटमेंट से तुम्हें पता लगेगा कि कैसे ऑप्शंस को हटाना है, कैसे ऑप्शंस को हटाना है। इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव नाम से पता लग रहा है इसका लक्ष्य जो है नाइट्रोजन प्रदूषण के कंटेक्स्ट में, जो विश्व में जो एक अवेयरनेस लानी है, तथा इसके कंटेक्स्ट में जो पहल करनी है उसके बारे में यह कार्यक्रम है। इसकी स्थापना स्कोप साइंटिफिक कमेटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंट प्लस इंटरनेशनल जियोस्फेयर बायोस्फेयर प्रोग्राम के द्वारा 2003 में, पहले इतना लिखो फिर इनके बारे में संस्था के बारे में जानेंगे। लिखो इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव, संस्था की स्थापना 2003 में, संस्था की स्थापना 2003 में। नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट इन 2003। नेक्स्ट, कार्य नाइट्रोजन के उपयोग के कारण मानवीय स्वास्थ्य और पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसे कम करना, उसे कम करना, तथा खाद्य उत्पादन में नाइट्रोजन की उपयोगिता में
दक्षता लाना, इंग्लिश में बोल देता हूं हिमांशु, उपयोगिता में दक्षता लाना, मिनिमाइज नाइट्रोजन्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट, एंड एट द सेम टाइम ऑप्टिमाइज नाइट्रोजन्स बेनिफिशियल रोल इन सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन, इन सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन. नेक्स्ट, इसकी स्थापना स्कोप स्कोप साइंटिफिक कमेटी, साइंटिफिक कमेटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंट तथा इंटरनेशनल जियोस्फेयर बायोस्फेयर प्रोग्राम के तहत इंटरनेशनल जियोस्फेयर बायोस्फेयर प्रोग्राम के तहत ठीक है. नेक्स्ट क्या जानना है इसके बारे में, स्कोप लिखो, स्कोप के बारे में. स्कोप नाम से पता लगाओ, साइंटिफिक कमेटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंट. अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, स्कोप जो हाल ही में चर्चा में था उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. फर्स्ट, स्कोप डिजिटल युग में मानव के सामने, मानवीय श्रम के सामने क्या समस्याएं आ रही है, उसके संदर्भ में अधिक रोजगार कैसे उत्पन्न किए जा सकते हैं, उसके लिए यह संस्था है. सेकंड, इस संस्था की स्थापना 2020 में हुई, उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है, केवल एक, केवल दो, दोनों, नन, आंसर क्या होगा, आंसर के साथ लॉजिक भी बताना है. फर्स्ट ऑप्शन वापस बोल दीजिए. डिजिटल युग में मानव के सामने रोजगार की जो समस्याएं आ रही है उसके संदर्भ में रोजगार कैसे उत्पन्न किए जा सकते हैं, इसके संदर्भ में संस्था. दोनों नहीं होगा, ओनली वन. जी स्वाति क्यों नहीं होगा? पर ये तो एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम तो है ही नहीं रोजगार, तो वही 2020 में है ही नहीं, मतलब स्टेबिलिटी. अगर 2020 में होता तो मैं 2020 में न्यूज में पढ़ा होता. और फर्स्ट किस लिए, डिजिटल युग तो अभी है और यह है एनवायरमेंट के कंटेक्स्ट में, तो ये एनवायरमेंट के कंटेक्स्ट में तो लेबर के कंटेक्स्ट में कैसे हो सकता है? भले ही तुम्हें ऑब्जेक्टिव नहीं पता, तुमने बुक्स में नहीं पढ़ा है, पर क्वेश्चन के वर्ड को ब्रेक करके तो समझ सकते हो ना कि ये श्रम के कंटेक्स्ट में नहीं होगा. स्कोप जो है, इसकी स्थापना इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन ने 1969 में की थी, 1969 में की थी. इसका काम जो है, जो की एनवायरमेंटल मुद्दे हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, जिसके तहत प्राकृतिक संसाधन, आप संसाधनों का कैसे प्रबंधन करो, इनके कंटेक्स्ट में जो मुद्दे हैं उन पर जो काम हो रहे हैं उनका जो है वैज्ञानिक तौर पर समीक्षा करना इसका काम है. थीम इसका एनवायरमेंट, लिखो स्कोप. स्थापना 1969 इसकी स्थापना इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन नेक्स्ट पॉइंट, इसका कार्य
पर्यावरणीय मुद्दों के संदर्भ में, मुद्दों के संदर्भ में वैज्ञानिक समीक्षाओं को विकसित करना है, विकसित करना है मींस थीम जनरेट करनी है जिस पर लोग कार्य कर सके और अपने थॉट दे सके और उन पर जो है एक रिसर्च किया जा सके। वो कुछ याद नहीं रखना, याद रखना एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में काम, इंग्लिश में लिख लो। प्राइमरी वर्क इज टू डेवलप साइंटिफिक रिव्यूज ऑफ की एनवायरमेंटल इश्यूज, की एनवायरमेंटल इश्यूज। नेक्स्ट, IGBP क्या है? एनवायरमेंट के नोट्स में पढ़ा होगा, इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम। नाम से पता लग रहा है जियोस्फीयर बायोस्फीयर। जियोस्फीयर मींस पृथ्वी, बायोस्फीयर आपका जिसमें आपका पूरी लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो ये जियोस्फीयर बायोस्फीयर में इंट्रैक्शन कैसे होता है और उसमें किस तरह परिवर्तन आ रहे हैं, वह बायोस्फीयर लाइफ को कैसे प्रभावित करेगा, मानव स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करेगा, उसके लिए यह अंतरराष्ट्रीय शोध कार्यक्रम रिसर्च प्रोग्राम है। इसकी स्थापना 1987 में हुई, 1987 में, लिखो, स्थापना 1987 में, 1987 में। नेक्स्ट, इसका लक्ष्य मानवीय कार्यों की वजह से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आ रहे हैं उनका व्यापक तौर पर अध्ययन करना है, व्यापक तौर पर अध्ययन करना है। एक बार शुरू से थोड़ा रिपीट कर दीजिए प्लीज। मानवीय कार्य की वजह से पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आ रहे हैं उनका व्यापक तौर पर अध्ययन करना है। इसकी स्थापना यही इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन, इसकी स्थापना इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन, साइंटिफिक यूनियन, ठीक है। अब क्या जानना है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन, आई थिंक उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है, ये इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव जो है, फ्यूचर अर्थ जो प्रोग्राम चल रहा है 10 वर्षीय प्रोग्राम, उस कार्यक्रम का भी हिस्सा है। फ्यूचर अर्थ जिसमें भविष्य तौर पर पृथ्वी पर क्या समस्याएं आएगी और उसके बारे में जो रिसर्च करना है, जो 2012 Rio+20 में लॉन्च किया गया था, उसका भी यह पार्टनर है। तो फ्यूचर अर्थ तुम्हें अपने नोट से देखना है। तो यह है, जब इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव है तो यह इतना पढ़ना है, पर इसके पढ़ने के बाद तुम्हें UPSC ने जो क्वेश्चन पूछे हैं वह पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन अभी तक जो बताया वो क्लियर हो गया कि कैसे रूट्स में तुम्हें जाना है। सामने जो दिख रहा है वो UPSC क्वेश्चन नहीं, उसके बैक में तुम्हें जाना है। और उसके बाद नाइट्रोजन पर मैं इतना तुम्हें बता नहीं रहा हूं, क्वेश्चंस के थ्रू तुम्हें बता रहा हूं कि कैसे UPSC ने क्वेश्चन पूछा, और क्वेश्चंस के थ्रू ही जो आगे कंटेंट होगा वो हम पढ़ेंगे। अभी तक कोई डाउट? नो सर। नो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो? कंसीडर द फॉलोइंग, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, निम्नलिखित में से कौन से कोयला दहन से
उत्सर्जित होता है या होते हैं। 2011 क्वेश्चन यूपीएससी सी या डी? सी यूपीएससी जो नए लोग हैं यूपीएससी देने नहीं आए, वो मार्केट को क्रैक करने आए हैं। मार्केट जिस तरह उनको नचा रहा है उसी तरह वो पढ़ने आए हैं और 5 साल बाद अपना बोरिया बिस्तर लेके घर चले जाएंगे। कम से कम जिस एग्जाम की तैयारी करने आए हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देख लो। सर डी ऑप्शन, इसका आंसर डी है। हाँ। और क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन को एनालाइज करना है। नाइट्रस की इम्प्योरिटी होती है कोल में, आंसर है डी। अब यह 2011 क्वेश्चन है, बट इसके बाद यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा है, ओके मैंने सेव नहीं किया, चलो मैं इंग्लिश में दिखाता हूं एक बार, बियर करना इंग्लिश में ही क्वेश्चन, मैं हिंदी में बोल दूंगा। यह क्वेश्चन, व्हाट कैन बी द इंपैक्ट ऑफ एक्सेसिव और इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का कृषि में अनुचित उपयोग या एक्सेसिव उपयोग के क्या प्रभाव हो सकते हैं। पहला, नाइट्रोजन फिक्सिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मिट्टी में, उसकी वृद्धि हो सकती है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड, मिट्टी की मृदा की एसिडिटी अम्लीयता बढ़ सकती है। थर्ड, नाइट्रेट की भू जल में लीचिंग हो सकती है, लीचिंग मतलब वह है वहां पर नीचे जा सकता है। कौन सा इसका आंसर है? वन एंड थ्री, टू ओनली, टू एंड थ्री, वन टू थ्री। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लोगों ने यह आंसर लगाया होगा डी, बट ये सोचो यह तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। जब नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो तो आप नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हो कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रक्रिया के तहत वहां डाल रहे हो? नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट। यस सर, नाइट्रेट में कन्वर्ट। अभी नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम किसका है? इन बैक्टीरिया का है। जब तुम यूरिया वगैरह दे रहे हो तो नाइट्रोजन दे रहे हो कि नाइट्रेट दे रहे हो? नाइट्रोजन देते हैं सर। नाइट्रोजन दे रहे हो, नाइट्रेट देते हो? नाइट्रेट देते हैं सर, चेंज होता है। नाइट्रोजन देते हो, नाइट्रेट देते हो? नाइट्रेट, नाइट्रेट देते हो। जब नाइट्रेट देते हो तो ऑलरेडी बैक्टीरिया जो इसको कर रहा है, तो इसका प्रोलिफरेशन क्यों होगा? इसका प्रोलिफरेशन क्यों होगा? यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, 2015 का यूपीएससी का क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन नहीं है ये। पर ओनली थ्री जो है वो दो ऑप्शन में वैसे ना, वन एंड डी में बस। ये भी तो है, ये तो होगा ही होगा, टू टू तो होगा ही होगा, तो आंसर तो ये तो होगा ही होगा, ये तो नहीं होगा ना। नाइट्रोजन जो है ये एसिड है कि बेस है? एसिड है, अमोनिया। एसिड है, सॉरी। तो ये टू तो होगा ही होगा, तो वन तो ए तो वैसे ही नहीं होगा। तो आंसर बी सी डी होगा, तो मतलब टू हो है, तो या तो थ्री, थ्री अब सोचना है, लीचिंग तो होगी, एक्सेस यूज कर रहे हो तो यहाँ टिक नहीं पाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो थ्री तो होगा ही होगा, तो आंसर या तो सी होगा या डी होगा। अब तुम्हें सोचना वन के बारे में, और एग्जाम में नहीं सोच पाओगे सही, तो जो मैं बोला है एग्जाम हॉल में लगेगा 80 क्वेश्चन सही है, एग्जाम हॉल के बाहर इसे डिस्कस भी नहीं करो पता लग जाएगा 75 सही है। ये वैसे क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर तुम सोचोगे नहीं, जल्दबाजी में बुक्स में क्या लिखा है रट्टा मारकर आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि तुमने सीखा क्या है, रट्टे से ही यूपीएससी निकलेगा, रट्टे से कभी यूपीएससी नहीं निकलेगा। थोड़ा बेसिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रेट, उन सबको पता लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा। यूपीएससी की ऑफिशियल की में आंसर है सी, टू एंड थ्री। प्रोलिफरेशन कैसे होगा, ऐसा ये क्वेश्चन है, शायद मेरे से मिस आउट हो गया है, मैंने यहां इंक्लूड नहीं किया है, कभी और दिखाऊंगा उस क्वेश्चन को।
तो यह है सोचने का क्वेश्चन है। ऐसे ही फिर यूपीएससी यहां पर क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे पूछता है निम्न ऐसे कौन सा फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन सक्सेशन में मदद करता है। यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं है, सीपीएफ या सीडीएस का क्वेश्चन है। सर NH3 तो लुइस बेस होता है ना, बट आपके नाइट्रेट्स बनते हैं ना, नाइट्रेट अगर डाल रहे हो तो एसिड होगा कि बेसिक होगा, अमोनिया थोड़ी डाल रहे हो। वैसे भी NH3 जो तुम बात करो वो वीक बेस है, वीक बेस है। सर इसका ऑप्शन ए होगा। ये तो अजोबैक्टर है, ये तो रट्टा वाला क्वेश्चन, ये पूरा साइकिल पता होना चाहिए, ये पूरा नाइट्रोजन साइकिल है, यू शुड नो फ्रॉम योर बेसिक थिंग्स। शायद मैंने क्लास में करवा दिया तो मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा। तो ये अपने तुम्हें बेसिक एनवायरमेंट के नोट से देखना है, और उसके बाद ये जो पूरा बैक्टीरिया है फ्री लिविंग बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, फिर नाइट्रिफिकेशन में अमोनिया को जो नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, अमोनिया को जो नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, और जो बैक्टीरिया नाइट्रेट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, उन सब बैक्टीरिया के नाम पता होने चाहिए। पीछे वाला थोड़ा सा और समझा दीजिए, मालूम नहीं है। एनवायरमेंट के क्लास नहीं किए लगता है? नहीं सर। तो एनवायरमेंट की जब क्लास होगी, क्योंकि वो लेक्चर आधा घंटा ले लेगा। जी सर। तो एनवायरमेंट की जब क्लास होगी तो उस एनवायरमेंट की क्लास में करना। तो सर एक मिनट थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। मतलब पढ़ाई नहीं है सर, हम एनवायरमेंट की क्लास किए नहीं है ना। जो जितना मैंने बेसिक पढ़ा उतना तो समझ में आ गया ना। जी सर। सर इतना तो आ जाता है। अब उसके बाद को रिलेटेड करंट तुम्हें नोट्स में देखना है। जब आगे आएगा चीजें रिपीट होगी, तो जो मेरा करंट होता है रिपीटेटिव होता है, तो अगर नहीं पढ़ाएगा कोई तो मैं बाद में पढ़ा दूंगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। और वैसे भी नाइट्रोजन साइकिल आप जैसे मान लो तुम्हें पढ़ना है तो 12th क्लास की NCERT है, उसके लास्ट के 4 चैप्टर हैं, वहां पर नाइट्रोजन साइकिल दे रखा है, वहां से पढ़ लेना, नेट से पढ़ने की जरूरत नहीं। जब क्वेश्चन डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ठीक है, साइकिल 12th क्लास की NCERT जो है 13, 14, 15 नंबर चैप्टर, 16 नंबर चैप्टर, वहां 14 या 15वें नंबर चैप्टर में है ये साइकिल। तो ये समझ में आ गया कि कैसे तुम्हें टॉपिक को करना है। नाइट्रोजन, तो उससे हमने पूरा बैक रिसर्च किया। अब इस पर कोई काउंटर क्वेश्चन एक बार पूछो। क्वेश्चन इस पर नहीं कि कंटेंट क्या है, क्वेश्चन इस पर कि आपने इतना ही क्यों बताया। क्योंकि सर हमें पढ़ना है इतना ही है। नहीं, नहीं देखो, मेरी वजह से तुम बोल रहे हो, तुम्हारे मन के जो डाउट है ना, उसको जब तक तुम नहीं पूछोगे कि सर ने इतना ही क्यों बताया, इसके बारे में इतना और क्यों नहीं बताया, या इससे मेरा क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, जब तक उनको सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हारी खुद का डेवलपमेंट नहीं है। यू विल बी डिपेंडेंट ऑन मी, तुम हमेशा मेरे पे डिपेंडेंट रहोगे, जबकि तुम्हें डिपेंडेंट नहीं होना है, तुम्हें इंडिपेंडेंट होना है। तो उस इंडिपेंडेंट के लिए तुम्हारी खुद की कैपेसिटी डेवलप होनी चाहिए। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि बेसिक काम थोड़ा बहुत पढ़ते ही है, और जो यूपीएससी के थ्रू इम्पोर्टेंट है वो इतना ही है। वैसे कुछ ज्यादा पूछेगी वो मेरा क्वेश्चन नहीं, मेरा क्वेश्चन वो नहीं है। मेरा क्वेश्चन है मन में डाउट होंगे, ये तो मैंने बोल दिया कि वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है। यस सर। जब टू वे तुम्हारे मन में कोई थॉट था पहले, तो वो जब तक तुम क्लियर नहीं करोगे ना, तुम्हारी कैपेसिटी डेवलप नहीं होगी। फिर क्या होगा, तुम उस बुक से ही रटोगे, और बाद में कभी मान लो तुमने खुद नया टॉपिक पढ़ा, तुम उसमें वो डेवलप आइडिया लगा नहीं पाओगे। तुम्हें क्या करना है, क्लास के बाद डिपेंडेंट रहना है कि खुद की वो क्षमता भी विकसित करनी है। नहीं सर, खुद की विकसित करनी है। तो उसके लिए डाउट पूछा गया, और जूम पर है तो वो डाउट जो है तुम्हारे सामने आने चाहिए।